नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग आपका भारत का इतिहास देख चुके हैं, विश्व का इतिहास देख चुके हैं, भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में देख चुके थे, और अब हम लोग बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में। तो इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी भारतीय संविधान का विकास किस तरह से हुआ है, उस प्रक्रिया को देखा था हम लोगों ने। ठीक, आज की इस क्लास में बात करेंगे हम लोग भारतीय संविधान की रचना के बारे में, किस तरह से भारतीय संविधान की रचना हुई इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। क्या किया? भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया। याद रखिए, लेकिन क्या है कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान लागू किए गए थे, और संपूर्ण रूप से आपका संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को याद रखना, कुछ प्रावधान आपके 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, कुछ प्रावधान आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब को कहा जाता है। यहाँ आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। पहला, पहली बार कब संविधान लागू हुआ कुछ प्रावधानों के साथ? 26 नवंबर 1949 को। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरी तरह से संविधान लागू कब हुआ संपूर्ण तरह? तो ये 26 जनवरी 1949 को। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब को। इन्हीं पॉइंटों को आपको पकड़ना है और निकल जाना है। ठीक है, इन्हीं को याद रखना है। बात करते हैं भारत को 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया। जब आपका संविधान पूरी तरह से लागू किया गया, तभी आपका भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया। जब संविधान लागू हुआ, तब तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। कभी पूछ लेता है कि हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395, और कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं मूल संविधान में। पहली बार संविधान सभा को की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 में प्रस्तावित की थी। मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 थी। मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी थी? 299। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियां गठित की गई थी? 13। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक आपकी 9 दिसंबर कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन प्रथम बैठक के दौरान आपके अस्थायी रूप से, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो पूछेगा आपसे कि संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार हुआ था। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के। फिर आगे आपका 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को गठित संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। तो याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ये कभी आपका इंटरव्यू में पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चन। तो संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 11 18, ठीक है, याद रखिए। इस तरह से आप किसी तरह से ट्रक बना लीजिए और याद रखना है आपको। ब्रिटिश भारत की विधानसभाओं से चुने गए सदस्यों का पार्टी वार ब्यौरा इस प्रकार था। ये आपके दल हो गए और निर्वाचित सदस्यों की संख्या हो गई है। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, यूनियनिस्ट 1, यूनिस्ट मुस्लिम 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित 1, अनुसूचित जातियां, कृषक प्रजा 1, अनुसूचित जाति परिसंघ 1, सिख गैर कांग्रेसी 1, कम्युनिस्ट 1, स्वतंत्र 8। इस तरह आपके कुल 296। संविधान सभा के संविधानिक सराय पर श्री बी एन राव को नियुक्त किया गया था। यहाँ आपका कई बार इसमें आपको फंसा देता है, क्या पूछता है? संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार कौन था? तो आपको याद रखना श्री बी एन राव। और संविधान सभा का यहाँ देखिए, भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कहा जाता है, बी आर अंबेडकर, याद रखिए यहाँ इस शब्द को। और संविधानिक सलाहकार कौन था इसका? श्री बी एन राव। श्री बी एन राव यानी कि राय देता है, वही राव हो गए, यानी कि सलाह। जब आप किसी को सलाह देते हैं उसे राय तो ही बोलते हैं कि राय दे रहा हूँ अपनी। तो याद रखना संविधानिक सलाहकार कौन था? श्री बी एन राव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। तो ये पूछे अगर कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया, कब प्रस्तुत किया, तो ये आपका 13 दिसंबर 1946 को। 1947 के अगस्त में गठित प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। संविधान सभा की अंतिम बैठक आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, याद रखना। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी तरह के क्वेश्चंस तो आपके पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, और इन्हीं को आपको याद रखना है। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग NCERT देख ही रहे हैं, तो उसमें आपका कवर होता जा रहा है पूरा, तो ज़्यादा टेंशन आपको लेनी ही नहीं है। आगे बात करते हैं, संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए तय किया गया क्योंकि उसी दिन को कांग्रेस ने 1930 में आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। अब कई लोग आपसे पूछ लेंगे, या फिर कई बार ये क्या होता है कि इंटरव्यू में पूछ लेता है कि बताइए कि 26 जनवरी को ही संविधान को लागू क्यों किया गया? तो आपको बता देना है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में 53 अनुच्छेदों एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन में एक बड़े स्तर पर इसमें बदलाव किया गया था, संविधान में संशोधन किया गया था। मिनी संविधान भी बोलते हैं इसे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, याद रखिए। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां अमेरिका के संविधान से ली गई।
सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका के संविधान से। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। यहाँ 3 क्वेश्चन आपके बन गए और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चंस, क्योंकि एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। कब? 24 जनवरी 1950 को पहले हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया। आगे पहुंचते हैं, हम चलते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया। सर्वप्रथम 1934 में स्वराज दल ने भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार किया गया। क्रिप्स प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की रूपरेखा की बात कही गई। 1940 में मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान की संरचना बनाई थी। अब बात करते हैं हम लोग संविधान में विकास, विधान परिषद का विकास। पृथक विधान परिषद का गठन आपका चार्टर एक्ट 1853 के तहत हुआ। विधान परिषद में भारतीय सदस्य इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। विधानसभा में प्रश्न पूछने का अधिकार एवं बजट की आलोचना करने का अधिकार इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसे जाकर देख लें एक बार, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी, ठीक है। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार बजट पर पूर्ण बहस का अधिकार मतदान द्वारा निर्वाचन करने का अधिकार ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत मिला। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आरंभ केंद्रीय व्यवस्थापिका द्विसदनीय मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में है। संघीय संविधान 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत में, ठीक। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने शुरू की थी उसमें बेहतर तरीके से पढ़ाया ने, तो वहाँ जाकर एक बार देख लें। याद रखिए, सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके कोई भी लेक्चर हों, फिर चाहे आपकी हिस्ट्री से हों, ज्योग्राफी से हों, साइंस से हों, ये सभी आपको एक ही जगह मिलेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर। सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची है उसी में पड़े हुए हैं, ठीक, क्रम से। भारतीय संविधान का भाग एक प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारत का भारतीय संविधान का जो भाग एक है और अनुसूची प्रथम है जो, इसमें आपका 1 से 4 अनुच्छेद है, 1 से लेकर 4 तक, ये आपके संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक क्या कहता है कि इंडिया अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्य क्षेत्रों में से नए राज्यों के निर्माण के विषय में व्याख्या करता है। अब बात करते हैं हम लोग राज्यों के पुनर्गठन के अध्ययन के लिए गठित आयोग। राज्यों के पुनर्गठन के लिए अध्ययन के लिए गठित आयोग एस के धर आयोग 1948 में आए। न्यायमूर्ति एस के धर इसके अध्यक्ष थे। इसमें जितने भी पॉइंट हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी भी को छोड़िए,
क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भी पॉइंट दिए गए हैं, तो आपको याद रखना। एस के धर आए 1948 में आए, इसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति एस के धर। जे बी पी आयोग 1951 में, इसके पंडित, इसमें कौन कौन शामिल था? पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल साहब, पट्टाभी सीतारमैया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आए, फजल अली, एच एन कुंजरू, एम के एम पनिक्कर इसमें शामिल थे। अगर राज्यों का पुनर्गठन की बात करें हम लोग, राज्यों के पुनर्गठन की, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रियासतों और ब्रिटिश शासित भारतीय रियासतों का विलय कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के बाद दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में नए राज्यों के गठन के बारे में एक आयोग का गठन किया गया। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट है वन डे एग्जाम का, याद रखिए, ठीक है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। बाद में फजल अली आयोग की सिफारिशों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके आधार पर आपके 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं आगे, 1950 के बाद जोड़े गए नए राज्य एवं परिवर्तित नाम। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 द्वारा सर्वप्रथम राज्य के कुछ क्षेत्रों को मद्रास स्टेट से अलग करके आंध्र स्टेट बनाया गया। बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा संयुक्त तेलुगी भाषी आंध्र प्रदेश में रखा गया, इसे आंध्र प्रदेश नाम दिया गया। ये आपके आंध्र प्रदेश है। केरल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा ट्रावणकोर कोचीन के स्थान पर केरल राज्य बनाया गया। फिर आपका कर्नाटक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मैसूर राज्य बनाया गया, जिसका नाम मैसूर राज्य नाम परिवर्तित करके अधिनियम द्वारा कर्नाटक रखा गया। गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया। पहले आपका मुंबई एक राज्य हुआ करता था, उसे दो भागों में बांटकर आपका गुजरात और महाराष्ट्र बना दिए गए। फिर आपका नागालैंड, असम राज्य से नागा हिल्स ट्यू एसियांग क्षेत्र को निकालकर नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड पृथक राज्य बनाया गया आपका। फिर आपका हरियाणा, क्या हरियाणा? हरियाणा आपका पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब का एक भाग काटकर हरियाणा राज्य बनाया गया, 17वां राज्य। फिर तमिलनाडु मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1968 द्वारा मद्रास का नाम परिवर्तित होकर आपका तमिलनाडु हो गया। पहले तमिलनाडु को क्या बोलते थे? मद्रास। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले राज्य का दर्जा दिया जाने वाला संघ राज्य हिमाचल प्रदेश, 18वां राज्य, जिसे हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। फिर आपका मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति से राज्य बना दिया गया। इसके बाद मेघालय की बात करें तो पहले मेघालय असम के भीतर एक उपराज्य था। स्वायत्त राज्य 23वें संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा बनाया गया आपका मेघालय। बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम द्वारा इसे पूर्ण राज्य यानी कि 21वां राज्य का दर्जा दिया गया। आगे चलते हैं, लक्षद्वीप, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप
द्वीप समूह का नाम लक्काद्वीप, मिनिक्वाय और अमीनी द्वीप समूह नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 द्वारा लक्षद्वीप लक्षद्वीप दिया गया इसका नाम। इसकी राजधानी कावारत्ती बनाई गई। फिर आपका सिक्किम 35वें संशोधन द्वारा संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछ लिया है, यहाँ आपको बड़ा ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से देखना है? सिक्किम राज्य को संयुक्त राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संशोधन द्वारा 1975 में 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, याद रखना। चलते हैं मिजोरम। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा मिजोरम को 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा 24वें राज्य का दर्जा दिया गया इसे। गोवा, राजधानी इसकी पणजी, गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को 25वें राज्य का दर्जा तथा दमन एवं द्वीप संघराज क्षेत्र बनाया गया। इसकी राजधानी दमन थी। फिर आपका उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, एक क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया सन 2000 में। उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग करके बनाए गए थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014, तेलंगाना विधेयक के माध्यम से आंध्र प्रदेश को दो भागों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया। क्या हुआ? आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांटा गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसमें आपका एक कब हुआ? 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया। कब आया ये? 2 जून 2014 को 29वां राज्य, जिसे आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया था। हैदराबाद राज्यपाल के अधीन व्यवस्था के अंतर्गत दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनी रही जब तक कि आंध्र प्रदेश की राजधानी नई राजधानी गठित नहीं कर ली गई थी। विधेयक में दोनों राज्यों के मध्य सीमा विभाजन, देयता संसाधनों का विपणन वितरण, साथ ही हैदराबाद की स्थिति आदि को स्पष्ट कर दिया गया। अब बता दें, करेंट में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हो गई, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को बना दिया गया, और तेलंगाना की बताएं क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हाल ही में गठित हुई। आगे चलते हैं हम लोग। लास्ट में हम इनका एक कंक्लूजन दे देंगे, मतलब कि अभी कितने हैं इस वक्त, कितने राज्य हैं, क्योंकि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म करके उसे दो भागों में बांट दिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगर ज़्यादा ही विस्तार से आप लोग जानना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में कि किस तरह से हुआ, तो इस पर हम लोगों ने एक क्लास ली हुई थी और वो करेंट टॉपिक के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसमें डली हुई है, ठीक है, वहाँ जाकर देख लें। एक मोटा मोटा यहीं बता देंगे हम लोग। कब कब बदले नाम? 1950 में पूर्वी पंजाब से पंजाब, बाद में हिमाचल, हरियाणा अलग हुए। 1950 में यूनाइटेड प्रोविंसेस से उत्तर प्रदेश, 1956 में हैदराबाद से आंध्र प्रदेश, 1956 में त्रावणकोर कोचीन से केरल, 1959 में मध्य भारत से मध्य प्रदेश, पहले ही मध्य प्रदेश को मध्य भारत बोला जाता था, 1959 में मध्य प्रदेश बोला जाने लगा, 1969 में मद्रास स्टेट से तमिलनाडु, 1973 में मैसूर से कर्नाटक,
1973 में लाकाद्वीप, मिनिक्वाय, अमन द्वीप से लक्षद्वीप, 2006 में पौंडीचेरी से पौंडीचेरी, 2007 में उत्तरांचल से उत्तराखंड, 2011 में उड़ीसा। अब जम्मू कश्मीर की एक बात कर लेते हैं हम, यहाँ क्या कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के बारे में क्या देखना है हमें, एक पहले इतिहास देख लेते हैं, बाद में हम इसका अभी जो बदला है उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर, भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा देता था। क्या करता था? विशेष राज्य का दर्जा देता था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक जम्मू और कश्मीर को भारतीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में 15वां राज्य निर्दिष्ट करता है। क्योंकि बदला भी है 2019 में 5 अगस्त को, तो कभी भी क्वेश्चन बन सकता है वो किसी भी पार्ट से, तो याद रखना इसे 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। अनुच्छेद 370 के अनुसार संघ और संबंधी सूचियों में संसद की राज्य के लिए कानून बनाने की शक्तियाँ उन मामलों में सीमित रहेंगी। राज्य द्वारा नियमित एक संविधान सभा द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए एक पृथक संविधान का निर्माण किया गया, जो आपका 26 जनवरी 1957 से अस्तित्व में आया था। अब पूछ ले आपसे कि जो जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया, इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा यानी कि संविधान का निर्माण कब किया गया था, तो आप बता सकते हैं 26 जनवरी 1957 को, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान, छब्बीस जनवरी 1950 को भारत का संविधान परिवर्तित किया गया, तब जम्मू कश्मीर को संविधान की प्रथम अनुसूची के खा राज्यों के वर्ग में शामिल किया गया और संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 में निम्नलिखित प्रावधान है जम्मू कश्मीर भारत के राज्य क्षेत्र का भाग है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जम्मू कश्मीर पर लागू होगा, इसका निर्णय राष्ट्रपति राज्य सरकार के परामर्श से करती थी, ठीक है। राज्य पर संसद का विधायी प्राधिकरण कार संघ और संबंधी सूची के उन्हीं मंदों पर तक सीमित रहेगा जो विलय पत्र में निर्दिष्ट है। राष्ट्रपति राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सकता है या फिर इसमें संशोधन कर सकता है। यही किया है वह, क्या किया है, यही किया है हमारे राष्ट्रपति साहब ने, यही किया है। अब हम आपको बता देते हैं कि क्या हुआ है जम्मू कश्मीर के हाल में। तो 5 अगस्त, इस डेट को याद रखना है पहले, तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर को विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केवल केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। इसमें लद्दाख की राजधानी क्या होगी, लेह, और जम्मू व कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होगी, ठीक है। तो ये थी पूरी आपकी कहानी। तो इस तरह आपके 28 राज्य बचते हैं
और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, ठीक है। और जो भी बदलते रहे आप क्या किया करिएगा, करंट अफेयर से जुड़ा रहिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो भी बदलते हैं, अगर आप लोग करंट अफेयर्स में बने रहते हैं तो उनसे क्या रहता है, आपको पता चलता रहता है कि क्या बदल रहा है हमारे देश में। तो ऐसा करके आप लोग कर सकते हैं। तो ये था आपका, क्या था, दूसरी क्लास थी ये संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित। तो इसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान की एक रचना के बारे में जाना है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषताएं देखते हैं। अगर आप लोग इसे और डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अभी हम लोग NCERT कवर कर रहे हैं, तो उन्हें जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ आपको कुछ ज़्यादा ही जानकारी इनके बारे में पता चलती रहेगी, ठीक है। आप अगर इंटरेस्टिंग हैं संविधान में तो उसे जाकर ज़रूर देख सकते हैं।